विष्णु पुराण। पुराणों का उद्देश्य सार गर्भित संवादों की श्रृंखला द्वारा सर्वसाधारण जनजन को वैदिक परंपरा के ज्ञान का संप्रेक्षण है। इस संप्रेक्षण का तात्पर्य वाक्य या शब्दों की पुनरावृत्ति मात्र नहीं, अपितु वाक्यार्थ को ग्रहण करने के समर्पण भाव की साधना है। ये अमूल्य धरोहर, ये वाचिक थाती, ये अक्षुण परंपरा, ये सौंपना और ग्रहण करना निर्जीव व्यापार नहीं है, अपितु एक तपः साधना है। पुराण ज्ञान श्रृंखला के क्रम में आज प्रस्तुत है विष्णु पुराण का एक संक्षिप्त परिचय। 18 पुराणों की सूची में तृतीय स्थान पाने वाला ये पुराण पाराशर ऋषि की रचना है। इसके खंडों को अंश कहते हैं। इसके अंशों की संख्या 126 है। इस पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है। ये ग्रंथ वैष्णव दर्शन का मूल आलंबन है। आचार्य रामानुज ने अपने श्री भाष्य में इसका प्रमाण व उद्धरण बहुलता से किया है। प्रथम अंश में सर्ग लक्षण अथवा सृष्टि की उत्पत्ति की विस्तृत विवेचना है। इसमें काल का स्वरूप, ध्रुव, पृथु और प्रहलाद की कथाएं हैं। द्वितीय अंश में भूगोल की बहुत ही सांगोपांग विवेचना है। लोकों का स्वरूप एवं पृथ्वी के 9 खंडों का वर्णन है तथा ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का परिचय दिया गया है। तृतीय अंश में मन्वंतर, वेद त्रयी की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म व श्राद्ध कर्म की विधि का विस्तार से वर्णन है। पांचवा अंश और सभी 38 अध्याय भागवत के दशम स्कंद की भांति भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करते हैं। छठा अंश केवल 8 अध्यायों का है, जिसमें कली धर्म निरूपण तथा प्राकृत प्रलय व ब्रह्म योग का निरूपण है। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में खांडिक्य, जनक व कोशी ध्वज की कथा के माध्यम से कर्म मार्ग व अध्यात्म मार्ग दोनों की ही बहुत ही सुंदर व तुलनात्मक चर्चा की गई है। विष्णु पुराण में भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है, जहां मनुष्य कर्मों को संचित व क्षय कर सकता है। शेष संपूर्ण पृथ्वी भोग भूमि है, जहाँ कर्मों के फल द्वारा भोग तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु कर्मों का संचयन व क्षय नहीं होता है। भारत भूमि का परिचय देते हुए कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैथ दाक्षिणाम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति है। जो पवित्र भूभाग समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम भारत है और उसकी संतति भारती है। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चांतस्य गम्यन्ते ना खल्वन्यत्र मर्तयानाम कर्म भूमो विधीयते। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष व पाताल लोक को पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी किसी भी भूमि पर मनुष्य के लिए कर्म का विधान नहीं है। भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का निम्नलिखित ललित पद अमर हो गया है। गायन्ति देवाः किल गीत कानि धान्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुरत्वात् कर्मांड संकल्पितत फलानि सन्यस्य विष्णो परमात्म भूते अवाप्यताम कर्म महिमनन्ते तस्मिल्यम ये त्वमलाः प्रयान्ति। अर्थात देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत भारत भूमि में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य व बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपनी कला कांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप रहित होकर अंत में उस अनंत में लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि अपनी प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संचित पुराणों के इस ज्ञान और कल्याणकारी संदेशों को जनमानस तक प्रेषित कर इन्हें सदा संरक्षित रखने की दिशा में अपना योगदान दें।